हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ कद्दू से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा हम कद्दू के ले लिए हैं, वजन में कहे तो 250 ग्राम है। कद्दू का छिलका हमने हटा लिया है और बीचे बीच दो भाग कट के इस तरह से हम बीचे बीच बीज है निकाल देंगे। अगर आपके कद्दू में बीज ना हो तो ना निकाले, इसी तरह बना सकते हैं। स्ट्रेनर ले लेंगे, घिसने वाला, पतले वाला स्ट्रेनर ले। इस तरह से अब हम डालकर बढ़िया से घिस लेंगे। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस करते हैं। एक बड़े बोल में हमने आटा डाल लिया है, लगभग 250 ग्राम। यहाँ पे जो हमने कद्दू घिस के रखे थे ये डाल देंगे। धनिया पत्ता, इसके बाद हम अजवाइन और कलौंजी डालेंगे थोड़ा सा, लगभग एक चम्मच। कलर के लिए हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच चिली फ्लेक्स और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे, हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा के तरह गूँथ लें, जैसे हम आटा का रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह गूँथ लेना है। तो आटा को हमने गूँथ कर रेडी कर लिया है, अब देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक चम्मच घी या तेल डालकर बढ़िया से आटा में मिला दे, ऊपर से चिकना कर दे आटा को और 10 मिनट तक आटा को इसी तरह छोड़ दे। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, अब देख पा रहे हैं आटा काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरह से फिर से मिला लेंगे। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। सूखी आटा ले लिए हैं, इस तरह से एक पेड़ा ले लेंगे बड़े साइज के। इसी तरह से सारे आटा को हम पेड़ा बना लेंगे। लगभग हम दो पेड़ा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और बेलन लेकर बेलना के मदद से इस तरह से बेलेंगे। रोटी के साइज में इस तरह से बेल लेना है, बड़े साइज में। इसके बाद हम एक चम्मच तेल या घी जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा दें यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आटा लगाकर फिर से बढ़िया से इस तरह से घुमा घुमा कर बेल लेंगे। तो देखिए हमारे तीन कोना पराठा बनके रेडी हो चुका है, बेलकर हमने रेडी कर लिया है। तो दूसरे तरीके भी बताते हैं। इस तरह से सेम प्रोसेस से रोटी की तरह बेल लेना है। इसके बाद एक चम्मच घी लगा दें, इसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके आटा लगाकर इसे भी इसी तरह बेल लेना है। काफ़ी सिंपल तरीका है। हम एक और तरीका बताते हैं। उसी तरह एक लोई ले लेंगे, आटा लगाकर एकदम पतले साइज के बड़े साइज के बेल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चम्मच घी डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, ये लेयर बनेगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम लेयरदार पराठा बन के आपका रेडी होगा। इस तरह से बेलकर बेलने के मदद से इसे भी बेल लेंगे। तो चलिए हमें तीन किस्म के हमने पराठे बना लिए हैं। तो चलिए अब हम सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तावा को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। गरम हो जाए तो इस तरह से पराठा डालकर दोनों साइड से पकाते हुए सेक लेंगे। यहाँ पे ध्यान दें हाई फ्लेम पर पराठा को ना सेके। इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ से दबा दबा कर सेक लीजिए। इस तरह से दूसरा पराठा भी डालकर सेक लेंगे। इस तरीके से आप लौकी के पराठा बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस के लिए भी लंच बॉक्स रेडी कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। कि हमने सारे पराठे को इसी तरह से सेक लिया है। तो चलिए अब हम सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं।
तो आपको हमने तीन तरह के फोल्डिंग करके पराठे का तरीका बताया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा है तरीका कमेंट करके जरूर बताएं। इस पराठे को आप दही के साथ खाएं, ये पराठा अपने आप में ही स्वादफुल होता है, एक बार जरूर ट्राई करें। और काफ़ी सॉफ्ट और एकदम खास्ता पराठा बन के रेडी होता है। अब देख पा रहे पराठे में कितना अच्छा लेयर आया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।